हाँ बिल्कुल बनाइए आप। चलो यार छोड़ो, नहीं नहीं आप बताइए ना, आप दरवाजा क्यों, आप मेरी बात का जवाब। कोरोना महामारी को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और उनके नेता तमाम दावा पेश करते हों, लेकिन सच्चाई से इतर नजर आती है। हम बात कर रहे हैं कानपुर शहर की, जहां कोरोना टेस्ट कराने आए लोगों को पुलिस का डर दिखाकर सेंटर से भगा दिया जाता है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी खुद मौके पर मौजूद होते हैं और 112 पर फोन करके गिरफ्तार कराने की बात कहते नजर आते हैं। आप खुद सुनिए इस वीडियो के माध्यम से। हाँ बिल्कुल बनाइए आप। चलो यार छोड़ो, बेकार की बातें कर रहे हो। नहीं नहीं आप बताइए ना, आप दरवाजा क्यों, आप मेरी बात का जवाब। जब हमने टेस्ट कराने आए लोगों से बात की तो उनका कहना था कि साहब कई दिनों से टेस्ट कराने के लिए चक्कर काट रहे हैं, लेकिन यहां पर पुलिस का डर दिखाकर गेट बंद कर दिया जाता है। मुझे कोरोना के लक्षण है, ये जो दरवाजा है इसके अंदर 3 लोग बैठे हुए हैं, सही सही जवाब नहीं दे रहे हैं। कई वजह से नंबर लगता है और कई वजह से टेस्टिंग होती है, बस बार बार कहते हैं आप आधे घंटे किट पहन लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। अरे भैया हम भी इंसान हैं, हम मर जाएंगे, किट पहनना ज्यादा जरूरी है कि मरना ज्यादा जरूरी है। मुझसे कह रहे हैं मैं तुम्हें झूठे आरोप में 112 नंबर पुलिस पे ले जाके बंद करा दूंगा, और इन्होंने गेट बंद कर लिए। कोरोना महामारी के कारण प्रदेश में लोग परेशान हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन सरकार के नुमाइंदे सरकार के दावों को खोखले साबित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। कोरोना टेस्ट कराने आए इन लोगों को देखकर सच में यही लगता है कि टीवी के सामने बैठकर बड़े बड़े दावे करना सिर्फ और सिर्फ लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। तो वहीं एक तरफ कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या पर चिंतन करने पहुंचे प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के दौरे के दौरान मरीजों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, तो जरा सोचिए आम दिनों में किस तरह की परेशानियों से जूझना पड़ता होगा। बहुत महत्वपूर्ण और बहुत उच्च स्तरीय बैठक सम्पन्न हो गई है, और इस बैठक के माध्यम से जो कोरोना संक्रमण के विस्तार के कारण से कानपुर में एक गंभीर समस्या खड़ी हुई है, उसके समाधान के सारे उपाय निर्धारित किए गए हैं, और कोविड की जांच से लेकर के लेवल 1-2-3 कोविड हॉस्पिटल से लेकर के यहां पर वेंटिलेटर बढ़ाने से लेकर के कोऑर्डिनेशन हो सके, चाहे वह जिलाधिकारी कार्यालय हो, चाहे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय हो, और चाहे सीएमओ कार्यालय हो, सभी स्थानों पे कोई एक जिम्मेदार अफसर होगा जो लगातार कोऑर्डिनेट करने का काम करेगा। सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि हम कोरोना पर पूरी तरह से नियंत्रण प्राप्त करें। मैं कानपुर वासियों से भी विनम्र अपील करता हूँ, हाथ जोड़ करके अपील करता हूँ कि आप सब लोग शारीरिक दूरी बहुत जरूरी, घर से निकले तो मास्क लगा करके निकलें, जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करें। शनिवार और रविवार जो लॉकडाउन का दिन है वह 2 दिन पूरा सहयोग करें। हालांकि सरकार के दावे कोरोना महामारी को लेकर लगातार किए जाते हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारियों के द्वारा मरीजों के साथ किया जा रहा व्यवहार सरकार के दावों को खोखला साबित करने के लिए काफी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कानपुर से अमरीश त्रिपाठी की रिपोर्ट।